नमस्कार दोस्तों, हम लोग वाराणसी के इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर हैं, यानी कि बाबतपुर हवाई अड्डे के हम लोग पार्किंग स्थल एरिया में खड़े हैं। अभी बाहर है टर्मिनल के बाहर, देखिए बैक साइड में आपको टर्मिनल दिख रहा होगा। तो दोस्तों आज की जर्नी हम लोग एयरपोर्ट से करने वाले हैं, वाराणसी के बाबतपुर इंटरनेशनल हवाई अड्डे से हम लोग हैदराबाद चलेंगे। तो दोस्तों हम लोग दोनों लोग हैं, दोस्तों हमारा लोग का दोनों लोग का लगभग 10,000 के आसपास है। एक तरफ का जाने का चार्जेस लगा है यहाँ से वाराणसी से हैदराबाद तक के लिए, और हम अभी हम लोग इंडिगो से हम लोग यात्रा करेंगे यहाँ से, जो कि हमारी फ्लाइट है 11:55 पे, और अंदर यहाँ पे 2 घंटा पहले अंदर एंट्री यहाँ से हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पे 9:30 आ गए हैं, तो हम लोग 10 बजे तक अंदर एंट्री कर लेंगे, जाँच वगैरह होगा, और उसके बाद दोस्तों अगर फ्लाइट यात्रा करना होता है तो 2 घंटे पहले आना पड़ता है, एंट्री करना पड़ता है और जांच वगैरह करा के, मतलब यानी कि बॉडी का चेकअप, क्या क्या आप सामान लिए हैं वो सब यहाँ पे चेकअप होता है, उसके बाद फिर अंदर एंट्री कराते हैं। फिर 11:55 पे फ्लाइट है, फिर वही 2 घंटा लगेगा हम लोगों को, 2 घंटा 5 मिनट के आसपास ऐसे कुछ लगेगा लगभग यहाँ वाराणसी से हैदराबाद के लिए। तो दोस्तों आइए फिर हम लोग चलते हैं अंदर, एंट्री करते हैं और पूरा यहाँ से हैदराबाद तक की जर्नी देखते हैं। आइए फिर दोस्तों हम लोग चलते हैं। दोस्तों हम लोग चल रहे हैं अंदर, टर्मिनल के अंदर प्रवेश करेंगे, और इधर देखिए ये पार्किंग स्थल है यहाँ का। और इधर सामने लाल बहादुर शास्त्री जी का स्टैचू है। दोस्तों जो कि हैदराबाद यहाँ से 1250-1300 किलोमीटर के आसपास है। देखिए हम लोग टर्मिनल के पास में आ गए हैं। देखिए हम लोग टर्मिनल के बाहर हैं, ये इधर। आइए हम लोग अब अंदर चलेंगे दोस्तों। दोस्तों हम लोग अंदर टर्मिनल के अंदर आ गए हैं, देखिए मेरा बैग है ये, और ये हमारी वाइफ है, हम दोनों लोग जा रहे हैं आज हैदराबाद के लिए, और टर्मिनल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। देखिए हम लोग इधर पीछे भी जांच वगैरह कराए हैं, और यहाँ पे भी चेकअप हो रहा है, देखिए बैग वैग, फिर अंदर हम लोग एंट्री करेंगे। आइए फिर अंदर चलते हैं हम लोग। दोस्तों अब हम लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं यहाँ से, हम लोग फ्लाइट पकड़ने वाले हैं। देखिए ये लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी से हम लोग फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं दोस्तों, डायरेक्ट हम लोग फ्लाइट में एंट्री करेंगे। ये फ्लाइट खड़ी अपनी इधर ये फ्लाइट खड़ी है, ये हम लोग ऐसे ही अंदर एंट्री करेंगे। लोग लाइन से जा रहे हैं। ये इधर फ्लाइट खड़ी है इधर साइड में। देखिए पैसेंजर सब जा रहे हैं धीरे धीरे, अंदर एंट्री कर रहे हैं, और हम लोग हैदराबाद के लिए निकलने वाले हैं यहाँ से, और वो दूसरी फ्लाइट उधर आ रही है। और ये इंडिगो को, ये फ्लाइट को बैक वैक करने के लिए है सब। What is the return?
देखिए वो जा रही है, फ्लाइट को बैक करेगी, स्टार्टिंग में उसको सपोर्ट करती है उधर। इधर ये दूसरी फ्लाइट आ गई, इधर इस साइड में यहाँ पे चेकिंग करके सबको बैठा रहे हैं। यहाँ पे चेक करवाना पड़ेगा हमको। फ्लाइट इसी प्रकार होती है, अंदर से इसी प्रकार से होती है। ये देखिए हम लोग अंदर आ गए हैं। ये सीट है, तीन सीट इधर होती है, तीन सीट इधर होती है। सीट इसी प्रकार से फ्लाइट की। बेहद खुशी है कि हम आपको हमारे देश के साथ जोड़ सके। प्रस्तुत है आपके लिए इंडिया बाय इंडिगो। धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम ऑन बोर्ड फ्लाइट 6626। हैदराबाद इज 1 hour 30 minutes अवे। वी विल बी सोरिंग थाउजेंड्स ऑफ फीट अबव द क्लाउड्स। आई वेट अस टुडे आर कैप्टन संजय एंड फर्स्ट ऑफिसर हिमांशु, श्वेता, रिया, अनुष्का एंड मानसी यू लीड कैबिन क्रू। वी कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी। वी आर फर्स्ट एड स्पेशलिस्ट, होम मेकर्स, ग्लोब ट्रोटर्स एंड बॉन्ड लीडर्स। सो प्लीज सेटल इन व्हाइल वी मेक योर जर्नी सेफ एंड कंफर्टेबल एज यू ट्रैवल द प्लेन। इट इज सिंपली वंडरफुल टू ब्रिंग यू क्लोजर टू अ रिच एंड डाइवर्स इंडिया बाय इंडिगो। थैंक यू। अब दोस्तों हम लोग बाबतपुर हवाई अड्डा से चल चुके हैं हैदराबाद के लिए। देखिए फ्लाइट हवाई पट्टी पर रनवे अब कराएंगे और उसके बाद टेकअप कराएंगे। थोड़ी देर में आपको हम टेकअप भी दिखाएंगे और फ्लाइट किस प्रकार से दोस्तों उड़ती है वो सब दिखाएंगे और ऊपर से नीचे का दृश्य किस प्रकार से होता है, आपके मकान वगैरह, प्लॉट वगैरह किस प्रकार से दिखते हैं, रोड किस प्रकार से दिखते हैं और फ्लाइट में टॉयलेट कैसा होता है सब दिखाएंगे। देखिए फ्लाइट को अब तेज के साथ रनवे करा रहे हैं। दोस्तों बहुत ही स्पीड होगा ये फ्लाइट की, देख सकते हैं। ये टेकअप कर लिए फ्लाइट। देखिए अब हम लोग ऊपर उड़ रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर चलते चले जा रहे हैं। अब ये दोस्तों हम लोग अब टेकअप कर लिए हैं। ये दोस्तों देख सकते हैं आप लोग ऊपर से किस प्रकार से नीचे दिखता है, आप लोग देख सकते हैं रोड वगैरह किस प्रकार से दिख रहे हैं। देखिए नीचे पेड़ पौधे किस प्रकार से दिख रहे हैं। अभी हम लोग और ऊपर चलेंगे थोड़ी देर में। और दोस्तों अभी फ्लाइट में खाना खाते नाश्ता करते हुए भी दिखाएंगे हम आपको। ये देख सकते हैं काफ़ी ऊंचाई पे दोस्तों आ गए हैं और अभी फ्लाइट बादल के ऊपर और बादल में चलेगी, वो भी आप लोग देखिएगा। पूरा कंटिन्यू हैदराबाद तक आप लोग देखिएगा।
ये देख सकते हैं दोस्तों, अब बादल में हम लोग आ गए। देखिए ये बादल अगल बगल दिखाई दे रहा है आपको, ये बादल में फ्लाइट चल रही है। बादल इसी प्रकार से दिखता है ऊपर, जो बादल आप नीचे से देखते हैं वो बादल देखिए ऊपर। हम लोग बादल के ऊपर अब चलेंगे धीरे धीरे। फ्लाइट बादल के ऊपर उड़ती है, देखिए जहाँ पर मौसम साफ रहता है उसी पर उड़ाते हैं, ये देख सकते हैं। बादल के ऊपर उड़ रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं इसी प्रकार से नीचे दिख रहा है और हम लोग बादल के ऊपर चल रहे हैं। फ्लाइट अपनी चल रही है बादल के ऊपर। देखिए जब फ्लाइट को मोड़ते हैं, देखिए किस प्रकार, देखिए इसके पंखे ऊपर नीचे हो रहे हैं। जब राइट की तरफ मोड़ते हैं तो पंखा नीचे हो जाता है थोड़ा थोड़ा, और जब लेफ्ट मोड़ते हैं पंखा ऊपर होने लगता है। देखिए आप लोग ये लेफ्ट में मोड़ रहे हैं, और देखिए बादल किस प्रकार से भाग रहे हैं तेजी के साथ। और ये दोस्तों आ गया है उपमा, जो कि एयर हॉस्टेस लोग अभी यहाँ पे सेल कर रही थी, तो हमने 250 रुपये का ख़रीद लिया है। लगभग 200-250 ml ग्राम के आसपास है ये, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट है। देखिए फ्लाइट में नाश्ता इसी प्रकार से हम कर रहे हैं। और दोस्तों देखिए फ्लाइट में टॉयलेट इसी प्रकार से होता है, ये छोटा सा रहता है। और दोस्तों फ्लाइट में देखिए एसी को इसी प्रकार से कम ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग, और ये लाइट चला सकते हैं, ये किसी इमरजेंसी में आप बुला सकते हैं एयर होस्टेस को। आसान टर्मिनल प्रवेश और बॉर्डिंग का लाभ हो जाए। श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई इको फ्रेंडली मूवमेंट मिशन लाइफ से जुड़े, आइए बिजली, पानी, पेड़ पौधों को बचाएं और वेस्ट ठीक से डिस्पोज करें। धन्यवाद। टर्मिनल एंट्री, बोर्डिंग एंड डेडिकेटेड गेट्स एट दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी, पुणे, कोलकाता, विजयवाड़ा, मुंबई एंड हैदराबाद एयरपोर्ट्स। जॉइन द ग्लोबल इको फ्रेंडली मूवमेंट मिशन लाइफ लॉन्च बाय श्री नरेंद्र मोदी जी। Let's save energy, water, trees and dispose waste sustainably. Thank you. अप्लाई करें और कई लाभ पाए। अधिक जानकारी हमारी हेलो 60 मैगजीन में उपलब्ध है। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, boys and girls, begin a rewarding journey with Indigo with a co-branded credit card in partnership with HDFC Bank and Kotak Bank. Apply now. Please read a hello 60 magazine for more details. Thank you. दोस्तों अब हम लोग हैदराबाद लैंडिंग करने वाले हैं। देखिए हैदराबाद शहर आ गया है। अभी कुछ ही समय में हम लोग हैदराबाद राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर लैंडिंग कर लेंगे। देखिए हैदराबाद शहर किस प्रकार से दिख रहा है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। अब फ्लाइट अपनी धीरे धीरे डाउन हो रही है, नीचे आ रही है, यानी कि लैंडिंग कर रही है। देख सकते हैं किस प्रकार से ये फ्लाइट वगैरह सब दिख रहे हैं, मकान वगैरह किस प्रकार से दिख रहे हैं, बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं। ये देखिए ऊपर से देखिए नीचे किस प्रकार से हरा भरा दिखता है। देख सकते हैं दोस्तों, देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है हैदराबाद शहर। और रोड वगैरह देखिए किस प्रकार से दिखते हैं, रेलवे लाइन वगैरह देखिए किस प्रकार से दिख रहे हैं। पूरा शहर देखिए एकदम वाइट वाइट पूरा चमक रहा है मकान। अब दोस्तों हम लोग एयरपोर्ट के पास देखिए पहुंचने ही वाले हैं। देखिए फ्लाइट नीचे नीचे डाउन हो रही धीरे धीरे। देखिए अगल बगल ये छोटे छोटे पहाड़ भी हैं, और उसके बाद देखिए जंगल टाइप का दिख रहा है पूरा हरा भरा। ये देख सकते हैं ये
दोस्तों देखिए, ये देखिए प्लॉट है, प्लॉट किस प्रकार से दिख रहा है। देखिए पूरा एकदम हरा भरा दिख रहा है। देखिए अब काफ़ी नीचे हम लोग आ गए हैं। देखिए अब तो थोड़ा बड़े बड़े मकान दिखाई देने लगे। देखिए ये जंगलों के बीच से देखिए रास्ता जो गया है किस प्रकार से दिख रहा है। ये देखिए हाईवे, देखिए इसी प्रकार से दिखता है। ये दोस्तों हम लोग एयरपोर्ट के पास देखिए आ गए हैं। अब फ्लाइट देखिए धीरे धीरे डाउन ही हो रही है। और यहाँ देखिए ये कंपनियाँ हैं, ये रिफाइनरी वगैरह हैं दिख रहे हैं आपको। ये देखिए छोटे छोटे पहाड़। ये दोस्तों हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट पे, ये लैंडिंग कर लिए हैं। ये फ्लाइट देखिए अपनी ये हवाई पट्टी पर अब रनवे कर रही है। देखिए किस प्रकार से दौड़ रही फ्लाइट। और यहाँ पे देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ पे फ्लाइट दिख रही हैं, खड़ी हैं सब, और कोई कोई जा रही है। देखिए बहुत ही अधिक संख्या में दोस्तों देखिए सामने फ्लाइट खड़ी हुई हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों आ गए हम लोग हैदराबाद। अब धीरे धीरे जिस प्रकार से बस वगैरह आप चलती हैं, अब उस प्रकार से ये चल रहे हैं ये हवाई पट्टी पर, क्योंकि नीचे इसमें टायर होते हैं, तीन जगह होते हैं, तो ये अब टायर के भरोसे चल रही है फ्लाइट। अब तक तो उड़ रही थी, अब ये ज़मीन पर चल रही है। अब कुछ ही पल में हम लोग बाहर उतरेंगे। ध्यान दीजिए, जो यात्री हैदराबाद में उतरेंगे उनसे निवेदन है कि वे सुरक्षा जांच के लिए अपना बोर्डिंग कार्ड हाथ में रखें। जो यात्री फ्लाइट 6E626 से विशाखापट्टनम जाएंगे उनसे निवेदन है कि वे अपने स्थान पर ही बैठे रहें। कुछ ही समय में इंडिगो के सुरक्षा कर्मी दल आपके बॉडी कार्ड की जाँच और साथ रहेंगे। धन्यवाद। यानी कि एयरपोर्ट स्टेशन के पास में एकदम आ गए हैं। अब हम लोग नीचे चलेंगे। बस फ्लाइट रुकने का इंतजार है। कर सकते हैं। आपसे निवेदन है कि द्वार खुलने के बाद कृपया विंडो शेड्स बंद कर दें और एयर वेंट्स खोल दें। देखिए सारी फ्लाइटें सब एकदम लाइन से खड़ी हुई हैं, और ये भी खड़ी होने वाली है। विमान में न रह जाएं। सीटबेल्ट का संकेत बंद होने तक कृपया आप अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखें। सामान कक्ष सावधानी और अपने सामान की पहचान कर लें। विमान से उतरते समय अन्य यात्रियों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। अपनी यात्रा में इंडिगो को शामिल करने के लिए धन्यवाद। You are free to use your mobile phones now. We request you to close the window shades and open the air vents after the doors. अब दोस्तों आइए बाहर की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए सारे पैसेंजर अब बाहर निकल रहे हैं। अब दोस्तों हम लोग बाहर आ गए। देखिए जिस फ्लाइट से हम लोग आए हैं उस फ्लाइट के देखिए ये कैप्टन लोग पायलट बाहर निकल रहे हैं, यानी कि जो लोग फ्लाइट चला रहे थे सबसे पहले वही लोग जा रहे हैं।
ये दोस्तों अब हम लोग पहुंचने वाले हैं, बाहर निकलने वाले हैं। अब आ गए हम लोग टर्मिनल में, देखिए। दोस्तों हम लोग फाइनली हैदराबाद एयरपोर्ट पे आ गए हैं, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। आज की जर्नी बस वाराणसी से हैदराबाद तक हम लोग किए हैं। जर्नी तो बहुत ही अच्छा था, लगभग दो सवा दो घंटा लगा। बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों फर्स्ट सफर का अनुभव था, बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों इनकी तो फर्स्ट फ्लाइट थी, मेरी तो हो गई, कई फ्लाइट हो गई, तो बल्कि मैं वीडियो नहीं डाला, तो मेरी तो होती रहती है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग भी यात्रा एक बार जरूर करिए, फ्लाइट का आनंद जरूर उठाइए, इंजॉय करिए। बाकी वीडियो पूरा देखिए। बाय बाय।